7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कम नहीं हो जाएगा। देखो देखो भाई उनका फोन है यार, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कांग्रेस की है इसमें गैप नहीं। कल 10 तारीख को हमारी नेता सर्वमान्य नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आदरणीय प्रियंका गांधी जी की वाराणसी में रैली है, तो उसके लिए हम अपने साथियों के साथ मिल बैठकर उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि भदोही की ज़्यादा जिम्मेदारी है, वाराणसी के बगल में है, तो इसलिए मैं आया हूँ। हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज सभी लगे हुए हैं। आज़ादी के पहले जालियाना बाग हुआ था और यह आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड हुआ। ये देखिए इस देश का कानून आज का, ये देखिए मोदी सरकार का राज, ये देखिए योगी सरकार का राज, कि जिन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाकर या उसके बाद 8 लोग मार डाले वो तो जेल के बाहर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो उनके आंसू पोंछने जा रही थी प्रियंका गांधी वो जेल के अंदर। 3-2 का अगर केस बन रहा है तो कम से कम भैया उनको गिरफ्तार तो कर लो, ना करो हिरासत में ले लो, ये भी ना करो पूछताछ तो करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हद हो गई है, अब उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में चीज़ें नहीं हो, मैं समझता हूँ कि दुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधी और अपराधी, आरोपी और आरोपी में फर्क कर दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है इस मामले में। तब जाके जागे हैं, तब वारंट हुआ है, दो लोग जो अस्पताल में बीमार थे बेचारे उनको पकड़ लिए, जो अस्पताल में थे पहले क्या नहीं गिरफ्तार किया भाई, बिना सुप्रीम कोर्ट के डांट खाए उत्तर प्रदेश सरकार को होश नहीं आता। यही हुआ आपके सोनभद्र कांड में, यही हुआ उन्नाव कांड में, यही हुआ हाथरस कांड में। तो जब तक इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लठ नहीं चलाता, अजगर जैसे सोती रहती है सरकार। मैं किसी को नाम लेके नहीं कर रहा हूँ वो अजगर की, मैं कह रहा हूँ सरकार अजगर जैसी सोती रहती है।